नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल इसाल पल पल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक तरफ जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है और कोरोना वायरस के चलते सारा देश लॉकडाउन पड़ा है और पूरे विश्व में दिल दहलाने वाली खबरें आ रही हैं, इन सब के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। आज पूर्व सीएम कर्नाटक ने अपने बेटे निखिल कुमार स्वामी की शादी रचाने जा रहे हैं। सवाल यही बड़ा है कि क्या कोरोना लॉकडाउन के चलते यह शादी कम लोगों में नहीं हो सकती या फिर सभी कानून सिर्फ आम लोगों के लिए बने हैं। एक तरफ तो जहां सरकार ने इतने कड़े का आदेश जारी कर लोगों को घरों में कैद कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हालांकि उन्होंने दावा किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, पर भीड़ देखकर लग रहा है कि लॉकडाउन सिर्फ आम जनता के लिए ही है। सामान्य भारतीय कठोर अनुशासन में घरों में कैद होकर देश बचाने की तपस्या कर रहा है और ये उत्सव बना रहे हैं। क्या लॉकडाउन कोई मायने नहीं रखता स्वामी जो जी के लिए? अगर ऐसे बड़े होदे वाले व्यक्ति भी इस तरह लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर लॉकडाउन का क्या मतलब रह जाता है? ज़्यादा खबर पाने के लिए